सो हेलो, कैसे आ चुके कौन नई वीडियो में। तो आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट एक और पार्ट। तो अगर हमको बस सर्वाइव करना है और हमारे पास हाफ हार्ट होगा, तो अगर हम मर गए तो मतलब सीरीज एंड होगी। देखते हैं सेकंड पार्ट आ पाता है नहीं आ पाता। और चलो शुरू करते हैं, मतलब हमें बस बढ़ना नहीं है, बस यही है। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप जरा से भी जंप करें तो आप मर जाओगे। देखा, तो ये मेरे ये ट्रेन बता रहा था, ये प्रैक्टिस बता रहा था मैं, तो ये काउंट नहीं होगा। तो जल्दी से जल्दी हम वोट वोट काट लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो हमें फूड भी चाहिए, तो हम इन्हें मार देते हैं जिससे हमें फूड मिल जाए। और फिर हम इन्हें, मैं सोचा था इन्हें पकड़ लेंगे और इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम और मिल जाएंगे, इसलिए हम इसे मार देते हैं जल्दी से जल्दी। तो मेरे को शीप मिल गया, जल्दी से उससे मार देते हैं यार, जल्दी से। ओह नो 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 नो, मैं सोच रहा हूँ कि हम वो बनाएंगे, एक शेर बना लेंगे और उससे कर लेंगे, उससे बाल काटेंगे, तो हमें 2 या 3 बाल मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। वरना मारते हैं तो एक भी एक मिलता है, और बहुत कम चांसेस होते हैं 2 मिलने के। तो जल्दी से जल्दी नीचे जाने की तैयारी करते हैं। तो चलो जल्दी से जल्दी फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो मैंने माइनिंग कर ली है, लेकिन मेरे को आयरन नहीं मिला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं कोल बना लूँ, जिससे तू यही रही हो यार शिप में, ये तू जाइयो मत, तो मैं कोल बना लूँ, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ। क्योंकि देखो हमें टॉर्चेस भी चाहिए, वरना देखो कितना अंधेरा है, और मेरे को आयरन मिला नहीं अभी अभी, और शुरुआत करनी है, मतलब खोदते रहना यार मेरे को, क्योंकि यार आयरन मिला नहीं यार जब तक। ओ मिल गया, आयरन का नाम लिया। तो इसे जल्दी से जल्दी खोद लेते हैं, और हम जल्दी से जल्दी ऊपर चलते हैं, फिर ऊपर जाके आयरन मेल्ट करते हैं और शेयर बनाते हैं। 3 से ही बन जाएगा और बहुत काम आएगा, और बहुत मज़े आ रहे हैं इस सीरीज में। नेक्स्ट पार्ट भी यार मैं ला सकता हूँ, और थोड़ा सा सोलो सर्वाइवल थोड़ा सा रोक दिया है मैंने, अब थोड़ी सी सीरीज आ रही है मेरी, थोड़ी थोड़ी करके, ठीक है, तो आपको भी मज़े आएंगे। तो यहाँ पे 3 बन चुके हैं, अब बनाएंगे अभी, बना लेते हैं चलो। तो अब कहाँ शीप कहाँ गई यार, यही दिक्कत होती है ना, शीप भाग जाती है, मेरे को ढूंढना पड़ेगा। यहाँ मिली नहीं रही यार शीप, कहाँ गई शीप, कहाँ है शीप, मेरे को मिली नहीं रही यार, कहाँ है यार, कहाँ गई, मर गई क्या यार बेचारी शीप। ओ मिल गए शीप, चलो अच्छा वो 3 ही मिल गए मेरे को, 3 वूल मिल गए। और ये बेड यहाँ पे स्पॉन पॉइंट सेट कर लेते हैं, स्पॉन पॉइंट सेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर हम मर गए तो मरेंगे। तो हम थोड़ी सी वुड काट लेते हैं, माइनिंग कर लेंगे और फिर मिलते हैं। तो मैं एक ये बना रहा हूँ शील्ड, जिससे कोई क्रीपर वीपर आए तो हम थोड़ा सा सिक्योर रहे, मतलब आधा आर्ट है भाई, थोड़ा सा सिक्योर तो रहना ही पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी तो मिलते हैं यार, आगे देखते हैं, थोड़ा वुड काट लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो मैं माइनिंग से बहुत सारा कोल मिल चुका है, और मैं सोच रहा हूँ कि हम एक फार्म बना लें जिससे खाने की कमी ना हो। वैसे तो खाने की कमी होने ही वाली है, और पहले तो हम वो कर लेते थे कि हमें खाने की कमी हुई तो हम मर जाते थे हैं, इतना ईजी कर लेते थे हम, लेकिन अब तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बच बच के ही जाना पड़ेगा, वरना तो भाई हो जाएगा अपना काम। तो यहाँ पर हम यहाँ पे खेती कर लेते हैं, और यहाँ पे शीप भी है, ठीक है। तो यहाँ से फिश कलेक्ट कर लेते हैं। तो यार ये ना फिश को ना मारने का इजी नहीं होता यार,
एंड्रॉयड में, क्योंकि इतना इजी नहीं है कंट्रोल एंड्रॉयड में, तो जल्दी से जल्दी मारने की देखते हैं। और ये लग ही नहीं रही, एक हिट लग जा, एक हिट ओके लग गई। और दो दूसरे फिश को मारने की कोशिश करते, मैं सोच रहा छोड़ो क्योंकि आगे जाएंगे तो हमें खतरा ज़्यादा है, तो हम यहीं पे रहते हैं, तो अपने घर पे जाते हैं और फिश को पका लेते हैं अपनी। तो जल्दी से जल्दी चलते हैं। और ये शीप मार दिया वुल्फ ने, शिट ब्रो ये क्या हो रहा है। और मैंने यहाँ पे ये भी डाल दिए थे पोर्क चॉप और वो सब, तो जिससे हमें खाना मिल जाए, और खाना मिल चुका है। और यहाँ पे इन्होंने मारा तो हमने कलेक्ट कर लिया। ये बस मारे ना, इसकी देर है, अगर ये मारना चालू किया तो भाई एक ही हिट में जाऊँगा मैं, तो इसलिए थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। तो हमने पोर्क चॉप डाल दिया है और नीचे से और फिश कलेक्ट कर लेते हैं। मेरे को फिश मिली नहीं, मैंने अपने इन्वेंट्री में देखी तो मेरे को मिली नहीं, पता नहीं क्यों। तो ये दो फिश तो मिली गई हैं, अब मैं ये तीसरी फिश कलेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहा मैं, अब मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब ऊपर जाते हैं फिर हम इस कुक करते हैं इस फिश को जल्दी से जल्दी, और क्योंकि खाने की कमी होनी नहीं चाहिए, मतलब अगर खाने की कमी हो तो हम मतलब गए, मतलब कुछ भी नहीं होने वाला मेरा। तो मैं सोच रहा था कि आयरन का आर्मर भी बना लें, लेकिन मेरे को बना मिला ही नहीं आयरन का आर्मर। तो मैं जरा सा माइनिंग में गया और यहाँ से सारी टॉर्चेस तोड़ के मैं ऊपर जाऊँगा अब, और अपना घर बनाएंगे। चलो एक वुड का होम बनाते हैं यार, लेकिन यार वुड की बहुत वेस्टेज होने वाली है। और मेरे पास सैपलिंग भी 5 पड़ी थी, मैंने देखा था अपने इन्वेंट्री में। और मैंने यार ये घर बनानी पड़ेगा अगर मेरे को ऑफलाइन जाना है तो, यार मतलब अगर मैं ऑनलाइन आया और मॉब्स वॉब्स अटैक करने लगा तो भाई मैं तो गया, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है अगर तुम घर नहीं बनाते या घर के अंदर उजाला नहीं होता। तो मैं ये कर देता हूँ यार, मेरे को ये छोटा लग रहा है तो मैं एक और ऊपर कर लेता हूँ। मैं छत नहीं बना रहा अभी क्योंकि बाद में बनाएंगे, ये ऑफलाइन पॉइंट बना रहा हूँ एक मैं, जिससे मतलब ऐसे ही ऑफलाइन चले जाऊँ। और यहाँ से कवर कर देते हैं, ये बहुत सारे वुड लेगा यार। मेरे पास थे 20 ओक लॉग, मतलब ओक लॉग नहीं 20 थे वुड, और उन्हें बना बना के मेरे पास एक स्टैक से भी ज़्यादा वुड चले गया है, और बहुत ज़्यादा वुड गया यार। तो मतलब बहुत सारी वुड की वेस्टेज हुई है, और मैं सोच रहा हूँ यही पे एंड करते हैं क्योंकि और कुछ करने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हम आज के लिए इतना ही है। अगर आपको लाइक पसंद आए तो लाइक कर दो यार, मतलब मेहनत लगी है मेरी भाई, एडिटिंग भी की है मैंने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय और सी या टाटा।